ये यार तो बड़े तगड़े वाले हो गए। बड़ी एनी मूवी टेल मी आई एम द मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर वाले क्रिकेट क्लब मैनेजर। यस यार कुछ ऐसा है यार। इन द फोर्ट 1986 बर्न एंड फील डाउन। तो मतलब हम लोग यहाँ से आए और ये गए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। लास्ट वीडियो में आपने देखा यार, मैं कोलंबो से गाले आ गया था। गाले से मैं आ गया अपने हॉस्टल। मेरा हॉस्टल आप देख लो, वो है मेरा हॉस्टल और हॉस्टल नेम इज बैकपैकर गॉल हॉस्टल। गॉल रेलवे स्टेशन पर ही मैंने हॉस्टल बुक कर ली थी और इसकी रेटिंग वगैरह मैंने देखा अच्छी थी तो मैंने बुक कर लिया यार। और ये हॉस्टल मुझे पड़ा है 1476 रुपये, इन्होंने मुझसे लिए लंकन रुपीज। इट मीन्स 422-23 रुपये पड़े यार, फुल्ली एसी। और अच्छा हॉस्टल है यार। यार मुझे एक चीज़ अभी तक नहीं समझ में आ रही थी, गाले कहेंगे गाल कहेंगे उसको कहते हैं गॉल। कुछ ऐसा है भाई गॉल का नज़ारा। वो देखो आप, उधर समुद्र है पूरा। और आप ये देख रहे हो ना भाई, गोल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो एक बार की देखते हैं यार, अंदर अंदर जाने का कुछ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते भाई, देखते हैं एक बार। तो ये आप देख रहे हैं गोल क्रिकेट स्टेडियम। यार मैदान तो बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन होते हैं क्रिकेट मैच है। तो ये सेंट्रल बस स्टैंड गोल देख रहे हैं और मैं था वहां पर गोल रेलवे स्टेशन पे। तो ये है भाई गोल क्रिकेट स्टेडियम, इधर से एंट्री पॉइंट है शायद। तो जो देख रहे हैं ना, उधर से एंट्री पॉइंट है। तो चलते हैं यार, देखते हैं अंदर क्या कैसे रहता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता है यार। गोल क्रिकेट क्लब भैया यार अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन सर ने मुझे अलाउ किया है तो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भाई। गोल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर अलाउ नहीं होता है, कोई आम आदमी नहीं आ सकता है। ये यार तो बड़े तगड़े वाले हो गए, बड़ी तगड़े वाली फीलिंग आ रही है मेरे को। ओह माय गॉड, बड़ी तगड़ी वाली फीलिंग आ रही है। गोल क्रिकेट क्लब 1876। ये यार महिंद्रा राजपक्षे पवेलियन आप देख रहे हो उधर। तो यार अंदर अलाउ नहीं था यार, मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे एक बार ही, उन्होंने एक बार ही मुझे अलाउ कर दिया भाई। तो थैंक्स फॉर दैट उन भाई साहब को। और ये सड़क से लगा हुआ है आप देखो, अगर यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है तो सड़क से लगा हुआ है भाई। पिच पे कुछ काम चल रहा है। यार इसको देखने के बाद ना थोड़ा ब्रिटिश जैसे फील आती है, वैसे ही लग रहा है यार। अच्छा यार बेहतरीन है। उधर रहा गोल फोर्ट। अभी एक्चुअली ना आज सुबह से यार जम के बारिश हो रही थी, तो कुछ यार हमको नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी वगैरह मिलेगा हमको। अगर बारिश नहीं होती तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई ना कोई तो ज़रूर मुझे मिलता है यार प्रैक्टिस करते हुए। यह गोल का पवेलियन है, उधर से मेरी कमेटी वगैरह होती होगी भाई।
तो भाई ऊपर जो है ना गोल क्रिकेट स्टेडियम के जो मेंबर हैं वही जा सकते हैं केवल। एनी इंटरनेशनल प्लेयर कम्स फॉर प्रैक्टिस इज देयर? नो 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 टू डेज टू डे और एवरी डे नो नो इट्स ए इंटरनेशनल स्टेडियम नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान वाज श्रीलंका मैच इन जुलाई और अगस्त विल बी या। तो भाई पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच जो है यहाँ प्रस्तावित है वेयर पीपल वी सिट भाई लोग कहाँ बैठते हैं यार एनी मैच नो क्राउड करेंगे देन वेयर सीट आई कांट अंडरस्टैंड आई एम नॉट गेटिंग दिस नो एनी सीट्स या एट नाउ नरेंद्र मोदी स्टेडियम अप्रॉक्स 1 lakh कैपेसिटी नहीं 1 lakh इज देयर टू देन इन दिस ग्राउंड वी कांट build any building here. Yeah. The port are there. Oh. Historical port. Then not allowed any building. Yeah. तो मैम बता रही हैं कि ये जो गाल फोर्ट है ये हिस्टोरिकल है तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो कोई आप इसको गॉल जो फोर्ट है उसको कवर नहीं किया जा सकता तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। तो यार ये तो बात सही है लेकिन स्टेडियम को भी कुछ डेवलपमेंट चाहिए। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? मनुषा। थैंक यू। आई एम आलोक फ्रॉम इंडिया एंड आर यू कमिंग फ्रॉम वाइफ? माय हस्बैंड इज मेंबर इन गोल क्रिकेट क्लब। ओहो। ही इज इन अपसाइड रेस्टोरेंट। ओहो। वी आर वेटिंग हियर। ओहो। तो आप मैम की जो हस्बैंड हैं वो इस गोल क्रिकेट क्लब के मेंबर हैं। डू यू स्पीक हिंदी? बट आई कैन अंडरस्टैंड। वी आर वाचिंग फिल्म्स नाउ। यस। Then we can understand. Oh, if you watch film movie, then you can understand. Yeah. Any movie? Tell me. No way. You have watched any movie liked? We have subtitles. Any actor in India? Preeti. What? Preeti Zinta. प्रियंका। ओह तो भाई प्रियंका निक जोनस जी के तो यार यहाँ पर भी बड़े दीवाने हैं भाई। प्रियंका निक जोनस जी नाउ सी इज हॉलीवुड स्टार। तो भाई ये गोल्फ फोर्ट की वजह से यार यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती। मैं यार बड़ा ताजुब खा रहा था कि यार अगर कोई आता होगा तो यहाँ पे कैसे बैठता होगा, कैसे नहीं बैठता होगा, कहाँ पे। बट मैम ने बताया कि हाँ इसी वजह से यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं हो पा रहा है और जुलाई या अगस्त में कोई मैच यहाँ प्रस्तावित है श्रीलंका और पाकिस्तान के। आई एम द मैनेजर हियर, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर। गोले क्रिकेट क्लब मैनेजर? यस यस। इंडिया व्हिच पार्ट? यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। यू स्पीक तमिल? नो 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 नो, हिंदी इंग्लिश ओनली। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश। या 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 थोड़ा थोड़ा। व्हाट्स योर गुड नेम सर? मुइन। या माय नेम इज आलोक। तो सर जो है वो मैनेजर हैं गोल क्रिकेट क्लब के और मुइन सर मिलके अच्छा लगा सर से। वी आर माइनॉरिटीज मुस्लिम्स। नो भाई चलते हैं। ओके बाय बाय मैम। तो भाई यार बड़े फ्रेंडली लोग हैं भाई यहाँ के। थैंक यू। तो भाई इन लोगों ने मुझे परमिशन दी यार, अंदर जाने का अलाउ ही नहीं है यार। और जब गोल क्रिकेट क्लब के मैनेजर साहब आए ना तो खुद ही हमसे पूछ रहे हैं कि आपको परमिट कौन दिया। बात तो बहुत अच्छे से कर रहे थे उन्होंने लेकिन एक लाइन उन्होंने बोली यार कि आपको परमिट कौन किया। तो गोल क्रिकेट क्लब पीछे छूट जाता है। अब चलते हैं गोल फोर्ट। अभी मैंने भाई श्रीलंका के बसों पर सफर नहीं किया
मैं भी आगे करूँगा यार। यहाँ अगर मैच होता है तो टिकट लेने जरूरत क्या है यार। और बारिश का यार इंद्र भगवान छाए पड़े हैं यार। तो भाई ये शायद गोल्फ कोर्ट का एंट्रेंस गेट है। पानी बरसने की वजह से कहीं जा नहीं पा सकते यार। कुछ देखते हैं कुछ मिलता है यहाँ पे। वन मैंगो। थैंक यू यार। कुछ ऐसा है यार मैंगो जूस 100 रुपये, मतलब अप्रॉक्स पड़े यार 27-28 रुपये। अच्छा तो भाई चलता हूँ उस साइड, लेता हूँ कुछ समुंदर के नज़ारे। गोल्फ कोर्ट बहुत बड़ा है यार, लेकिन दिक्कत ये है ना कि बारिश ने लगा के रखी हुई है भाई। वाह यार लहरें देखो, नीचे इतना साफ है जैसे धुला हुआ है भाई। तो कुछ ऐसा नज़ारा है डियर, आप भी देख सकते हो कि समुंदर की लहरों की आवाज़ आप सुन सकते हो। तो भाई मैं आपको 360 डिग्री व्यू दिखा रहा हूँ आपको। यार ड्रोन नहीं है तो यही सही। ओ माय गॉड बारिश, मुझे अंदर जाना पड़ेगा कहीं पर। भाई जो भाई साहब से मैंने मिला था ना एटलस बेस्टन, उन्हीं के पास मुझे शरण लेनी पड़ेगी। तो भाई मैं हूँ कुछ ऐसी जगह पर, आप देख सकते हैं यार। तो आप देख रहे हैं भाई चोरों की बारिश हो रही है बाहर। भाई जानते हो जब मैं लगेज पैक कर रहा था अपना ना, तो मैंने एक छाता रखा हुआ था, एक अम्ब्रेला रखा हुआ था छोटा सा। और यार जब लगेज ज्यादा हो गया ना तो मैंने सबसे पहले छाता ही निकाला था। देखिए भाई अभी तो आप इनको देखो भाई। ये आया कुछ मजेदार। भाई तो भाई ये देखो मस्त नजारे यार, उधर से आप देखो। बारिश ने बड़ा कहर मचा रखा है भाई, अदरवाइज मुझे लगता है यहाँ और मजे आते। बड़ा टापू वाला फील आ रहा है वहाँ पे। भाई ये देखो तोप रखी हुई है भाई, और चलती भी है कि बस पुराने जमाने की है। ये देखो आप, और यहीं से जाती गोले। कैरन में भी हो सकता है यार किसी कंपनी का नाम हो। एक तो प्यार रखी हुई है, एक तो प्यार रखी हुई है। ओके लाइट हाउस, क्लॉक टावर एंड एनी अदर। In the fort. Inside the fort. Lighthouse inside the fort. Clock tower inside the fort. Yes. Any more? Any other? Most famous thing
भाई ने बताया कि लाइट हाउस उस साइड है, तो मैं हम लोग चलते हैं उस साइड यार। अगर आप फोर्ट एरिया के अंदर रुकना चाहते हो तो आप देख सकते हो रामपार्ट होटल। यार बहुत ढेर सारे ये फोर्ट के अंदर ना बहुत ढेर सारे होटल हैं। तो ये भाई क्लॉक टावर छोटा सा है। यार इस फोर्ट में आने के बाद ना मुझे कुछ कुछ फील गोवा जैसी आ रही है। बच्चा आके हो भी ओ भाई या। तो आ गए हम क्लॉक टावर के पास। तो वो आप देखो डॉल सिटी, ये इंडियन ओशियन और कुछ ऐसा लग रहा है। Do you speak Hindi? मालूम है हिंदी। ओह यार तो मैं कहाँ है तेरे से बोल रहा है। हिंदी मालूम है। What's your good name? आपका क्या नाम है? मुबारक है। मुबारक। तुम्हारा नाम? आलोक। आलोक। लोकमाय आईडी मुबारक है। आईडी। ओह टूरिस्ट फैसिलिटेटर आईडेंटिटी कार्ड। मुबारक। मिले यार इनसे मैंने पैसा एक्सचेंज कराया है। You go this way, yes. This rampart street finish close by this masjid entrance, okay. This Muslim masjid entrance, yes, finish, yes, yes, after yes. Hospital street, yes. Hospital street right side have white lawn building, white this lawn one building. Dutch hospital, yeah, before, yes. This one medicine search in hospital before, oh, much oh. Malaria fever time much soldier die here, but now this time be no this time no oh. before 1640 so, डच कैचिंग 1640 सेंचुरी के पहले वहाँ पर 1640 डच कैचिंग 1505 पुर्तगीजी कैचिंग फर्स्ट पुर्तगाली आफ्टर सेकंड आफ्टर डच आफ्टर इंग्लिश ब्रिटिश या ब्रिटिश आफ्टर इंग्लिश टावर 1938 नो लाइट हाउस टावर फर्स्ट लाइट हाउस इज देयर 1886 नो लाइट सिग्नल दे हैव लाइट 6 o'clock स्टार्ट फॉर द लाइट ऑन giving the ship signal, yeah, daily ship signal. Before how they are 1886, they are, you know, people have this one lighthouse. Yes. 1886. But destroy? No. Wait, I told history. 1886. Yeah. 1936 burn and kill down. Oh, right. One person have signal giving ship. Yes. He jumped the sea. Oh. He already dead. Already dead. After ship, before ship, daytime only running. Ship signal giving man, no? Uh-huh. Night time stop. Here, night time also ship running. Light भाई on. यहाँ पर जो है ये सिग्नल जो है रात में भी चलता रहता है। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके ओके मोर मच बिग हिस्ट्री दैट हैव स्मॉल हाउस गन पाउडर मैगजीन स्टोर। ओके आई एम गोइंग। तो भाई पूरा इतिहास आपने सुना ना, तो थोड़ा बहुत तो इतिहास का चक्कर बनता है यार। जब आप किसी देश का इतिहास जान जाते हो ना तो घूमने का मजा कुछ दुगना हो जाता है यार। ये भाई हर जगह तोप रखी हुई है, कुछ कुछ ऐसा नहीं जा रहा यार वहाँ पे।
इतनी साफ सफाई वाली जगह पे बिल्डिंग इतनी प्यारी लग रही है। और वो भी समुंदर के किनारे, उसकी तो बात ही अलग है। ये बिल्डिंग है कि होटल है यार? तो ये भाई डॉक्टर और तो यही कहेंगे यार। वो रहा अपना गोले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, महेंद्र राज पक्षे पवेलियन, उधर से फिर से दिख रहा जहाँ हम लोग थे यार अभी थोड़ी देर पहले। वो एंट्रेंस से हम लोग आए हैं। तो नज़ारे बड़े प्यारे हैं यार। यार फोटो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्ची बोलो यार तो यहाँ आने के बाद मज़ा आ रहा है। हम लोग यार अभी उस तरफ भी गए थे और इधर से मैं गया था यार, तो मैंने पूरा फोर्ट घूम लिया यार। और अब आ गए सबसे अंतिम फ्लोर पे। ओह दैट्स नाइस। तो पूरा गोल्फ फोर्ट का यार मैप है। वो स्टोन के बने यार, स्टोन कट करके बनाए गए हैं। यू आर नाउ हेयर, तो मतलब हम लोग यहाँ से आए और ये गए और इधर से पूरा घूमते हुए उधर उस साइड से हम लोग फिर नीचे नीचे चले आ रहे हैं। फिर यहाँ पे क्लॉक टावर, क्लॉक टावर पे चढ़े और यहाँ से चले आ रहे हैं यहाँ पे। तो भाई फोर्ट तो घूम लिया, अब चलते हैं बाहर। क्या बोलेंगे इसको, सुपरसोनिक व्यू। तो बस भाई इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।